सच कहूं तो कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है। इतना बेहतरीन आपने काम किया ये 25 साल की, आपको बहुत मुबारक है। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आपका जोश बरकरार रहे, आपकी वो हिम्मत हमेशा रहे, आपकी नहीं आपकी टीम की भी। लिटरेसी इंडिया को मेरी तरफ से कपिल देव आप सबको बहुत बहुत मुबारक। We are partnering with the Literacy India in multiple ways, but more importantly is the volunteering program which Literacy India provides and what we do with Literacy India. Our volunteers are teaching the kids through Zoom and other methods. तो उनके जैसे classes ले रहे हैं या help कर रहे हैं उनके homework में या कुछ doubts हैं तो वो clear कर रहे हैं. If you look at it, there is a total holistic involvement with what all Literacy India does. आप जैसे अब कारीगर project लें, वो भी skill based ट्रेनिंग है, उसके बाद कैसे एम्प्लॉयमेंट है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। हम लोग क्या सबसे पहले वन है कि मनी डोनेट करना थ्रू CSR इज वेरी इजी एंड देयर इज अ गवर्नमेंट गाइडलाइंस इज इजी टू डू दैट, बट द बिगेस्ट इंपैक्ट इज टू द बेनिफिशियरीज दैट इज स्टूडेंट्स और द वुमेन इन लिटरेसी इंडिया, बट मोर इंपॉर्टेंटली आई विल से द बेनिफिशियरीज आर अवर स्टाफ एंड एम्प्लॉयज एज वेल इंक्लूडिंग मी। और आजकल तो स्टाफ सबसे पहले ये भी पूछते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, so they look for those opportunities and Literacy India is one of the big opportunities they look for. और जब मैं वॉलंटियरिंग की तरह काम करता था तो इसको आप समझिए कि जैसे श्रमदान हो गया। कि देखिए टाइम जो होता है लाइफ में वो आप किसी को देते हैं वो कभी वापस नहीं आता है, समय कभी वापस नहीं आता है, तो इसीलिए जो हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं लिटरेसी इंडिया के साथ उनके बेनिफिशियरीज के साथ वो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है और उसमें हमको सीखने को काफी मिलता है क्योंकि हमें उसमें एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, उसमें हमारी काफी लर्निंग होती है। जितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को ऑफिस में सुविधा होती है उतनी ज्यादा सुविधा होती नहीं है, तो उसमें यू हैव टू डू मोर विद लेस इन लिटरेसी इंडिया प्रोजेक्ट्स, उसमें आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट काफी होती है। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि ये सब जो एसोसिएट होते हैं हम लिटरेसी इंडिया के साथ एज ए डोनर और एज एन एम्प्लॉई, इट इज नॉट अबाउट गिविंग बैक, इट इज ऑल अबाउट पेइंग फॉरवर्ड। We feel that the strongest part of our partnership is volunteering. So, हर साल Dell team members volunteer करते हैं और एक quality time Literacy India team के साथ spend करते हैं। इस pandemic के period में हमारे volunteers ने सहायता करने की पूरी कोशिश की है और उसमें हमने Literacy India के साथ खाना arrange किया है, food arrange किया है, groceries arrange की हैं, daily needs arrange की हैं, medicines arrange की हैं। और एक चीज जिसमें मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है वो ये है कि जब हम लोग Dell में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं और हम लोग इस वक्त पर, तो हम सबने कहा कि भाई जो बच्चे हैं अगर उनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है तो एजुकेशन वर्चुअली उनके लिए मुश्किल है, तो कैन वी प्रोवाइड डिजिटल डिवाइसेस सो दैट एटलीस्ट द लर्निंग प्रोसेस और द एजुकेशन कंटिन्यूस फॉर देम। सो वो भी हम लोग ने साथ मिलकर किया। बहुत ही सैटिस्फाइंग जर्नी है एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी दिस पार्टनरशिप विल गेट स्ट्रॉन्गर विद ईच पासिंग डे एंड आई डू वांट टू थैंक लिटरेसी इंडिया टीम फॉर ऑल दैट दे डू। तो पर्सनल एक्सपीरियंस का बताता हूँ, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ हर महीने और उनके साथ स्टोरी टेलिंग का होता है। मेरा एक्चुअली जो पर्सनल ग्रोथ जो हुआ है वो काफी हद तक बच्चों के वजह से हुआ है, उनके साथ इंटरेक्ट करके जो वो कठिनाइयों से लड़के तो भी इतना खुश रहते हैं और इतना एम्बिशन है कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा है, ट्रस्ट मी इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव बीन डिनाइड द एक्सेस टू एजुकेशन और डिनाइड एक्सेस टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स थ्रू व्हिच दे कैन एनरिच देयर लाइफ, एनरिच देयर पर्सपेक्टिव्स, फॉर दैट पॉपुलेशन हैविंग tools available, having some guidance available, having someone who is willing to share their experience is just as valuable because that helps them reimagine their lives. Indrani gave me this opportunity to kind of actively get involved in the Digital Entrepreneur Skilling Program, and this was something new I was trying to do. It was a learning for me as well. So by the time we ended the program and I saw the results, compared the output pre-sessions and the post-session output, it is so satisfying. It was such an empowering feeling that yes, 1 hour of my time, a little bit of intent can make so much difference to somebody's confidence, to the way they approach their work, and if it can empower somebody even to some extent, it is more than worth the time that we are setting aside for it.
My chat with Indrani ji and the team, I realized how I could probably help people out there and make a difference in some of the people's lives. Indrani ji suggested to me that I take grooming classes, and to that I added behavior and communication. And at the same time, what I must say about the students and the people and the teachers who came to learn and who attended the sessions, that they were very, very, very excited, they were interested, and I could see that they were taking the lectures really well. And I'm really hoping that whatever lectures I gave or whatever sessions I took with them will make some difference in their lives. At the end of the day, all of us, all human beings and all individuals, if can do one particular thing for any one single individual out there, it can make such a big difference in the whole pool called this world. I started as a volunteer myself, so I started teaching children of 6 to 8 years a grade on mathematics. It was a very, very fulfilling time. For the first time, things which I took for granted appeared to me, it's so difficult when you try and make someone teach. So there is a general respect for teachers that I got. It was amazing. And I started on my own, then I got my other colleagues to join me, and then soon convinced my organization to start it with a program with Literacy India. And when I started, it was only me, but by the time I ended, I had more than 100 colleagues, teaching students not only different subjects but other softer forms of dance, music and other stuff. So it was very, very amazing for me. I ever get a chance to be associated with any volunteering work, and especially with Literacy India, I would say that rather than anyone else, it's your privilege.